बादल सागर चे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपके एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स हैं। देखो आपको मैंने लास्ट टाइम हमने आपको इंट्रोडक्शन दी थी पूरे चैप्टर की, तो वो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तब जाके ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। तो गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। बोलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है हमारे पास ए पार्ट सिंपल कर्व कौन सा है, बी पार्ट सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, सी पार्ट है आपके पास पॉलीगन कौन सा है, और डी पार्ट कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, और ई पार्ट आपके पास कनकेव पॉलीगन। इस फिगर में आपने चेक करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स है, और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। तो कल मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की करी हुई थी, तो आज हम करेंगे इस फिगर में हम पहचानेंगे तो कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स है, और कौन सा कनकेव है। तो सबसे पहली बात मैंने बोला था आपको सिंपल कर्व की बात, तो सिंपल कर्व की अगर बात करेंगे हम, तो सिंपल कर्व मैंने बोला था आपका सीधा सिंपली, जैसे आपने सिंपल क्लोज कर्व होता है, क्या मैंने बोला था सिंपल, आपने जैसे आपने ऐसे काम किया और हैंड ऊपर नहीं उठाया, हैंड ऊपर नहीं उठाया, जैसे मैंने आप सिंपली क्लोज कर्व कर दिया, जैसे हो गया कर्व क्लोज, तो ये आपका सिंपल क्लोज कर्व है। आपने कोई ऐसा कुछ फिगर नहीं बनाई ऑड से लगे, वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, सिंपल जहां से आपने हाथ मोड़ा उठाया, यहां से उठा, मतलब हाथ ऊपर नहीं उठाया, दैट इज सिंपल सिंपल कर्व। तो पहला वाला पार्ट जो है, देखो यहाँ पे आपने चेक करना इस फिगर में कि ये वाला जो है ये सिंपल कर्व है या नहीं, बिल्कुल है। आपने पहले इसको ऐसे किया, ऐसे किया, हाथ ऊपर नहीं उठा, मतलब हैंड ऊपर नहीं उठा, एक ही बार आपने ऐसे 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 ये किया हमने, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। फिर दूसरी फिगर हम चेक करेंगे, यस सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। देखो इसको भी हमने यहां से शुरू किया, यहां से ये, मतलब हमने हैंड ऊपर नहीं किया, दैट मीन सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल कर्व है। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड वाला, थर्ड फिगर क्या बोल रही है, यहाँ पे इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया, फिर हमने इसको हाथ उठाया ऊपर, फिर दूसरा किया, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद आता है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला भी सिंपल कर्व नहीं है, और फिफ्थ वाला सिंपल कर्व है। आपने यहां से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, बिल्कुल आपने हैंड ऊपर भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपली है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल कर्व, ये आपका। उसके बाद आपका सिक्स्थ वाला है, बिल्कुल ये भी आपने देखो, अगर यहां से हम शुरू करेंगे ऐसे हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया, बिल्कुल सिंपली, दैट इज सिंपल कर्व, इसको भी बोलेंगे। उसके बाद सेवंथ वाला आपका सिंपल कर्व नहीं है, क्यों नहीं है, देखो आपने ये सर्कल दिया, फिर आपने हैंड उठाया, फिर आपने दूसरे बार ये लाइन ड्रा की, उसके बाद फिर उठा, उसके बाद आपने सर्कल मारा, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद बी पार्ट बोल रहा है कि सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपली आपने यहां से शुरू किया, यहां से कोई बाहर से गेट शेट है नहीं ओपन का, ओपन होने का, मैंने सिंपल क्लोज कर दिया, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व लिखा। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट देखने के, ये सिंपल बिल्कुल है, इसमें भी कोई बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिंपली क्लोज कर दिया हमने, सिंपल क्लोज, पहले तो सिंपल कर्व था, उसके बाद कि क्या सिंपली हमने क्लोज भी कर दिया, देखो यहां से बिल्कुल क्लोज, कहां कहीं पे हमने हैंड को ओपन नहीं किया, दैट मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व, ये भी सिंपल कर्व भी, और ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। उसके बाद थर्ड फिगर क्या है, थर्ड फिगर हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये आपने पहले एक कर्व दिया, फिर अर्थ उठाया, उसके बाद दूसरा कर्व दिया, दैट मीन्स इसमें कुछ टाइम भी लग रहा है हमारे पास, और पहले एक राउंड फिगर मारा, उसके बाद दूसरा मारा, उससे हमें थोड़ा सा हमने बड़ा किया, उसके बाद अगर थर्ड मारेंगे, दैट मीन्स ये इसको हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद फोर्थ वन है, फोर्थ वन विज नॉट सिंपल क्लोज कर्व। उसके बाद फिफ्थ जो है ये सिंपल क्लोज कर्व है, आपने पहले सिंपल कर्व दिया, उसके बाद फिर आपने इसको सिंपल क्लोज भी, इसकी कोई बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं, दैट मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व।
उसके बाद सिक्स वाला है, अगर देखो जो सिंपल कर रहा था वो सिंपल क्लोज कर भी होगा, तो यहाँ पर भी सेम है, क्लोज है कंप्लीट एक ही टाइम हमने हुआ, तो दैट मीन्स ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। और सेवंथ वन इज नॉट सिंपल क्लोज कर्व, ये एट्थ वन इज सिंपल क्लोज, बिल्कुल देखो यहाँ पे सिंपली हमने ऐसे किया इसको, और अब क्लोज भी है सिंपली क्लोज कर्व भी है, दैट मीन्स सिंपल कर्व भी है और ये सिंपल क्लोज कर्व भी है। देन थर्ड पार्ट आपके पास है पॉलीगन। देखो पॉलीगन की बात अगर करेंगे तो पॉलीगन क्या है, यहाँ पे मैंने पॉलीगन आपकी डेफिनेशन सबसे पहले बताई थी कि वो देखो वो क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो किसी भी लाइन सेगमेंट, देखो यहां से आपने लाइन सेगमेंट दी और क्लोज कर्व है, जिसको हम क्लोज कर्व बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट में बनाया हमने, दैट मीन्स ये आपके पास पॉलीगन है। तो उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करेंगे सेकंड फिगर्स की, ये भी बिल्कुल ये लाइन क्लोज तो है लेकिन लाइन सेगमेंट मेड अप ऑफ ऑनली लाइन सेगमेंट में बन रही है, तो ये भी पॉलीगन है। यहां पे देखो ये है पॉलीगन लेकिन बट ये लाइन सेगमेंट में नहीं है, राउंड फिगर में है, दैट मीन्स ये पॉलीगन नहीं है। और फोर्थ वन इज क्लोज है लेकिन इसका देखो यहां पर भी लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट कुछ ना कुछ बन रही है और क्लोज भी हो रहा है कंप्लीट, तो इसको भी हम पॉलीगन बोलेंगे। उसके बाद फिफ्थ वन इज नॉट पॉलीगन, क्योंकि देखो सिंपली है ये क्लोज है, नॉट लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, यहाँ पे सेगमेंट कोई भी नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ये पॉलीगन नहीं है। उसके बाद सिक्स वाली फिगर है, सिक्स वाली भी बिल्कुल राउंड फिगर में है, ये पॉलीगन नहीं है। और सेवंथ में बिल्कुल राउंड फिगर ये तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये एट्थ वन इज ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर में नॉट फॉर सेगमेंट, सेगमेंट होना बहुत जरूरी है पॉलीगन में, जैसे मैंने बोला कि वो वाली फिगर बनाओ क्लोज भी होनी चाहिए और किसी मेड अप ऑफ ऑनली लाइन सेगमेंट, ये तो डेफिनेशन है पॉलीगन की, तो हमारे पास वही हम उसको बोलेंगे पॉलीगन जिसको सेगमेंट होंगे। यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, क्लोज भी है, यहाँ पे राउंड फिगर में है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है डी पार्ट, कन्वेक्स पॉलीगन। देखो कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन होता है कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। तो मैंने कन्वेक्स की केस में क्या बताया था आपको, कन्वेक्स केस में मैंने बताया था कि सारे के सारे जिसका एंगल 180 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली फिगर है आपके पास, तो यहाँ पे एक एंगल जो हमारे पास 180 डिग्री है, बाकी सारे 180 से बिलो, लेकिन इसको हम कन्वेक्स नहीं बोलेंगे। हमें कन्वेक्स का ये हमें कल पढ़ा था कि कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जो सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम हो। तो हमारे पास यहाँ सारे 180 से कम है, देखो ये एंगल 180 नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स ये कन्वेक्स है। इसमें पूरी फिगर में सिर्फ एक ही फिगर है जो ये वाली है, कन्वेक्स पॉलीगन। देन उसके यहां पर भी कोई एंगल नहीं बन रहा है, यहां पर भी यहां पे देखो आप देखो यहां पर भी नहीं, यहां पे 180 बन रहा है यहां पे। उसके बाद आपका आ रहा है ये लास्ट वन इज कनकेव। तो कनकेव में देखो, कनकेव मैंने बोला था कल आपको कि कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जो एटलीस्ट एक एंगल 180 होना चाहिए।